अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब तो पहले तुहाडा सब दा बहुत शुक्रिया कि मेरे चैनल दे सब्सक्राइबर 3000 तक पहुंच गए ने, और ये रफ्तार है और लग रहा कि ऐसे महीने 50 से 60 हज़ार हो जाएगी। तुसीं इन्हां दो बंदिआं नूं जदों भी वेखदे हो ते एक दुनिया जिहड़ी है मेरे इंटरव्यू ते नस पैंदी है, और स्पैशली वो लोग जिहड़े माल चुरा के ते अगे वेच के ते अपना नाम कमांदे ने। राणा फवाद साहब मेरे नाल मौजूद ने, ताबी लीक्स 2 साल की हो गई, और ताबी लीक्स नूं हिट करन विच जिन्हां इन्हां दा हत्थ है इन्हां किसे दा नहीं, क्योंकि जो जिहड़ा इन्हां दा मैं दुबई च इंटरव्यू किया सी वह इस तरह वायरल होया जिस तरह पाकिस्तान में एक दफा डेंगू वायरल होया सी। राणा साहब कैसे तबीयत है? बिल्कुल ठीक था भाई जी, बिल्कुल ठीक है। और मेरे को कोई भी पूछता है ना जी जी कि यार तुसी क्यों कर दे हो जा? तुसी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम राइजिंग स्टार का प्रोग्राम क्यों कहते हो? तो मैं क्या कि मैं वो मैच हार के ते सिर सुटिया थले आ रहा सा, तो मैनू एक डॉन द रिपोर्टर ताबी ने रोकया जी जी, और उन्हें मैंने कहा कि सर 2 मिनट का इंटरव्यू था। मैं क्या यार मैं नहीं देना जी। मैंने कहा नहीं, थोड़े नाल गल करना चाहना। नहीं, तो तुम्हें पता मैं जिन्होंने चिमड़ जावा उसकी जान नहीं छड़ता हूँ जी। बिल्कुल सही है। तो वो बहरहाल तुम जो सवाल पूछे वो असी मैं जवाब दिते कि जी असी शहर शहर गली गली जावे, असी बंदे लभांगे, अगर पाकिस्तानी टैलेंट होया तो रहांगे, नहीं होया तो मां सलामा। नहीं, तुसां गल तो बड़ी बधाई, और नाजरी ने गल तुहानूं दस्सा बड़ी मज़ेदार है, जिहड़ी राणा साहब नूं गल बड़ी पसंद आएगी। इस बंदे दी अखां विच 2 वारी आंसू आंदे ने, एक वारी खुशी दे, एक वारी गम दे। गम दे आंदे ने पाकिस्तान सुपर लीग, तो खुशी दे आंदे ने इत्थे। तेरे को पुछना कि पाकिस्तान सुपर लीग च खुशी दे आंसू कदों आणगे? नहीं, बिल्कुल आणगे, बिल्कुल आणगे, कि बाबा बुल्ले शाह इहदी गल कोई नहीं हैगी, क्योंकि ये जिहड़ी ये खुशी है ना जिहड़ी, इहदा नेमल बदल कोई नहीं हैगा। ये बच्चे ये मेरू मैं समझना कि मेरे मरण के बाद यह कोई मेरी लैगेसी रहेगी कि यार ये थोड़ा बहुत इन्हें बच्चों कुछ दिता है। शायद ये बच्चे आज तो 2 साल बाद 3 साल के बाद, पता है ये हीरा जड़ा होंदा है ना, वो भी पहला कोयला होंदा है फिर वो हीरा बनता है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह एक बड़ा टाइम लगता है, सुनहरा भी सुनहरा बनने चुनु बड़ा, तुम भी जर्नलिस्ट हो तो बड़ा टाइम लगे इतों तक पहुँचने। अल्लाह करे बन जाएगी जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चे जो साढ़े अगे चलन गए, पाकिस्तान का नाँ रोशन करे, हीरो बन गए, यार असी हीरो साड़ी जमीन तो नहीं बदली ना, असी तो उही हाँ, तो फिर हीरो बनना क्यों छड़ गए, क्यों पैदा नहीं हो? तुसा नौजवान टैलेंट दी हैचरी खोल दिती है, अगों जदों मछलियां बनन जिथों मर्जी खेडन, तुसा कदी दी इहदी भी परवाह नहीं कीती? इह जज्बा भी किसे किसे विच हुंदा? नहीं देखिए, कोई शक नहीं हैगी कि टाइम लगता है कि लोहा होवे जां पिया कटीवे जां तां तलवार सडीवे हो, वाह कंगी वांगो पिया चरीवे ता जुल्फ महबूब भरेवे हो, वाह 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 मेहंदी वांगो पिया घटीवे ता तली महबूब रंगीवे हो, आशक सादक होवे बाहू ता रस प्रेम दा पीवे हो। ओए पार पंजाब वालेओ, तुसी सानूं बड़े गिले दिंदे हो कि असीं पंजाबी नूं भुल गए हां, असीं पंजाबी नूं नहीं भुल सकदे, साडे खून दे विच शामिल है। जिस तरह तुसीं गल कीती कि जिहड़े अगर मोबाइल है इहनूं अच्छा एंटीवायरस नाल लाईए, इहनूं अच्छा अपडेट नाल रखीए, तो किसी भी टाइम ठुस हो सकता है। ईवन कंप्यूटर होवे, सिस्टम नूं जिन्ना अपडेट रखना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही किसी वक्त दे नाल नहीं रहे, असी जिस तरह जिहड़ियां कौम ने तरक्की की उन्होंने वक्त दे नूं भांबदिआं उहदे मुताबक चले। इहदा मतलब तुहाडी गल दा इह कढ़ीए कि जिहड़ा पाकिस्तान बहुत पिछे रह गया, इहदी वजह इही है कि असी यानी कि अपने आप नूं वक्त दे नाल अपडेट नहीं कीता। नहीं बिल्कुल, असी माजी च, मैं तुहानूं पहले गल कहिंदा सी, माजी च रहण वाले लोक आ, असी कबरां नूं पूजदे आ, असी घर बैठी जिहड़ी साडी कलंदर हैगी है, माँ है जिहड़ी जां प्यो हैगा उहनूं असी टाइम नहीं दिंदे, जदों मर जांदे ने ते उदों रोना पैंदे। मैं जाना कब्रिस्तान विच ते लोकी फुल लै के बैठे ने, ओह कबरां ते बैठे ने, कुरान पढ़े ने। इह जिहड़ी जिंदगी है, हयाती है ना, हयाती जिहड़ी है, तुहाडा भरा होए, भैण होए, दोस्त होए, ये सारी दी सारी उहदे गिरद घूमनी चाहीदी है। सानू कोई दुख रंज नहीं होना चाहीदा कि यार मैं अपने भरा नाल टाइम नहीं गुजार सकिया, यार मैं अपनी माँ नूं टाइम नहीं दे सकिया, यार मैं अपने प्यो नूं टाइम नहीं दे सकिया, यार मैं अपने बच्चों नूं टाइम नहीं दे सकिया। ये जिहड़ी हयातड़ी है ना जी, हाँ मर के मिले हयातड़ी, दुख चो निकले सुख, है रुख बीप टुटिया, रुख फुटिया,
ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾਤੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਤਬਲੀਗ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ PSL ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਸੱਚੀ ਦਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤਾਬੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਲੀਗ ਬਣੇ, ਨੰਬਰ 1 ਇਹਦੇ ਵਿਊਰ ਹੋਣ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਫਤਾਬ ਅਹਿਮਦ ਤਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੜੈਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੱਟ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।